एपिसोड की शुरुआत में हम सियोल शहर को देखते हैं, फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लैपटॉप में किसी का इंटरव्यू सुन रहे थे। उसमें ये शख्स कहता है जो लोग पाप करते हैं उनके लिए एक फरिश्ता आकर भविष्यवाणी करता है। वो पहले मरने वाले का नाम बोलता है, फिर वो टाइमिंग और दिन बताकर वहाँ से चला जाता है, और जब वक्त आता है तो नर्क के जल्लाद आकर उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। फिर हम वही कैफे में बैठे हुए एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि बहुत डरा हुआ था और वो उसके फोन में टाइम देख रहा था, और टाइम रहा था 1:19, और जैसे ही 1:20 होते हैं अचानक हम एक जोरदार आवाज सुनते हैं और वहाँ कैफे में अजीब से दिखने वाले 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि काले रंग के थे और बहुत बड़े थे। वो उस आदमी को मारने लगते हैं, वो आदमी उनसे बचकर भागने लगता है और वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागते हैं। वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और फिर उनकी शक्तियों से उस आदमी को जलाकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हम कुछ डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि इसी शख्स के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में मीटिंग कर रहे थे। उसमें एक डिटेक्टिव का नाम था जिम, क्योंकि वो घटना दोपहर में हुई थी तो इनके पास काफी सारे वीडियो प्रूफ भी थे। वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहीं इनका हेड डिटेक्टिव जिम को युनपायो के साथ जाकर न्यू ट्रूथ के बारे में जानकारी निकालने कहता है। कार में जाते समय ये डिटेक्टिव जिम को बताता है कि जिस भी इंसान को वो 3 जल्लाद आकर मारते हैं उसके पहले एक फरिश्ता आकर उस शख्स के बारे में भविष्यवाणी करता है, और न्यू ट्रूथ ग्रुप 2012 से चल रहा है। तब से ही उस ग्रुप के चेयरमैन यून जून सू लोगों को इस बारे में बताते आ रहे हैं। उन्होंने कुछ वीडियो एविडेंस भी लोगों को बताए, पर ज्यादा लोगों ने उस वीडियो पर विश्वास नहीं किया। अब दोनों डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर से थोड़ी जानकारी निकालने के बाद वो बाजू में हो रहे चेयरमैन यून जून सू के स्पीच के तरफ जाते हैं। चेयरमैन लोगों को अपनी तरफ कर रहे थे। वो लोगों को कहते हैं हम इंसानों को भगवान की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हम इंसानों से कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर वो लोगों को कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें 3 मॉन्स्टर लोगों को मार रहे थे। वीडियो दिखाकर चेयरमैन कहता है वो सारे लोग जिन्हें उन 3 मॉन्स्टर्स ने मारा है वो किसी तरह से पापी थे। किसी ने मर्डर किए थे, कोई रेपिस्ट था और कोई फ्रॉड था। चेयरमैन बताते हैं कि इन पापियों के पास एक फरिश्ता आता है जो इनके मरने की डेट और टाइम बताता है, और बताई गई डेट पर ये 3 मॉन्स्टर आकर उन पापियों को मार कर नर्क ले जाते हैं। वो कहता है ईश्वर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए नर्क की आग कैसी होती है। उनके स्पीच के बाद डिटेक्टिव जिम और ये दोनों चेयरमैन यून जून से बात करने जाते हैं। तभी अचानक डिटेक्टिव जिम की नजर उनकी बेटी पर पड़ती है। वो फौरन उसके पास जाकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो ट्यूशन में होना चाहिए था। वो उसके डैड को कहती है मैं वहीं जा रही हूँ, और चेयरमैन यून जून को बाय कहकर चले जाती है। उसके जाने के बाद डिटेक्टिव जिम और यून पायो चेयरमैन से बात करते हैं। चेयरमैन बताता है जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मेरे मरने की चाहत बढ़ते गई। 20 साल का होते होते मैं सोचने लगा था कि मैं कैसे मरूं, क्योंकि 20 साल का होने पर अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ता था। ये कहता है मैं मरना चाहता था, पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि लोग मुझे मरता हुआ देखें। इसलिए ये टिबेट में एक पहाड़ी पर गया और वहाँ इसने पहली बार ये 3 मॉन्स्टर्स को देखा जो कि एक इंसान को मार रहे थे, और उस पल उसे पहली बार जिंदगी का मीनिंग समझ में आया। वो ईश्वर की तलाश में बहुत सी जगह पर गया और 10 साल घूमने के बाद उसे ईश्वर की मर्जी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, और फिर इसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। युनपायो पूछता है कुछ लोगों का कहना है कि न्यू ट्रूथ का एरोहेड के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। ये कहता है उन लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है। असल में एरोहेड ऐसा ग्रुप है जो कि न्यू ट्रूथ को ही फॉलो करता है, और इस ग्रुप में सारे टीनएजर्स हैं जो गॉड विल के नाम पर सभी को मारा करते हैं, और ये लोग खुद को गॉड के प्रोटेक्टर मानते हैं। चेयरमैन कहता है कि मैं दुनिया को बस यही बताना चाहता हूँ कि हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। इस पर पीछे चल रहे डिटेक्टिव जिम हंसने लगता है। चेयरमैन के डिटेक्टिव जिम को हंसने का कारण पूछने पर वो कहता है क्या ईश्वर को ये नहीं मानना चाहिए कि इंसानों को अपने फैसले लेने की आजादी है। चेयरमैन कहता है ये काफी दिलचस्प पॉइंट है डिटेक्टिव जिम, और फिर वो कहता है कि मुझे हिजियन ने बताया कि आपकी वाइफ का मर्डर किया गया था। आप लोगों को आज भी दर्द होता होगा, मगर वो कातिल वो तो अपनी सजा काटकर समाज में वापस आ गया ना। क्या आपको लगता है इंसानों के बनाए गए कानून से इंसाफ हो सकता है? तभी अचानक चेयरमैन को पीछे से कोई आवाज देता है और वो उन्हें इंटरव्यू देने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक औरत को देखते है, इसका नाम पार्क है। ये अपनी शॉप जल्दी से बंद कर घर के लिए निकल जाती है। घर आते ही उसके बच्चों से बर्थडे विश करते हैं। उसकी बेटी केक लिए खड़ी थी और उसका बेटा कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक वहाँ एक एंजल आता है। वो पार्क का नाम लेकर कहता है आज से 5 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम नर्क में जाओगी। नेक्स्ट सीन में हम इस शख्स को देखते हैं जो कि एरोहेड का बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसमें वो कहता है ईश्वर हम सबको सबक सिखाना चाहता है, और वो उस लाइव स्ट्रीम में लोगों को भड़का रहा था। और उसमें वो एक आदमी का इंटरव्यू बताता है जो कि एरोहेड और न्यू ट्रूथ के खिलाफ था, इसलिए एरोहेड के
के मेंबर उस आदमी को बहुत मारते हैं, क्योंकि एरोहेड के सारे मेंबर टीनेजर्स ही है, इसलिए पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाते। अब हम इस लॉयर को देखते हैं। इसका नाम मिन हाइजिन है। ये जैसे ही ऑफिस में आती है तो इसका कलीग इसे फौरन कैबिन में जाने कहता है, और कैबिन में पार्क उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे वो वीडियो बताती है जिसमें फरिश्ता उसकी भविष्यवाणी करके चला जाता है। वो मिन हाइजिन को बताती है, ये मेरे लिए एक नोटिस है, ऐसा मुझे न्यू ट्रूथ वालों ने बताया। वो मिन हाइजिन को बताती है कि न्यू ट्रूथ वाले उसे जब नर्क के जल्लाद सजा देकर नर्क ले जाएंगे, उसे लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, और अगर पार्क इस ऑफर को मान लेती है तो न्यू ट्रूथ वाले उसे 3 अरब वॉन देंगे, और अगर वो जल्लाद आकर उसे मार कर ले जाते हैं तो उसे पैसे मिलेंगे, और अगर वो जल्लाद नहीं आते हैं तो भी उसे पैसे मिलेंगे, जिससे कि उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। मिन हाइजिन मिस पार्क को ऐसा करने से मना करती है और उसे काफी समझाती है कि ऐसा करने से आपकी और आपकी फैमिली की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। और फिर मिन हाइजिन उसके कलीग को बाहर ले जाकर बात करती है और कहती है, क्या तुम वाकई में ये लाइव ब्रॉडकास्ट करने दोगे? तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है वाकई में वो 3 जल्लाद आकर इसे नर्क ले जाएंगे? मिन हाइजिन कहती है, अगर वाकई में ऐसा हुआ तो क्या? मिस्टर पार्क कहते हैं, अगर हुआ तो भी पैसे तो उसे पूरे मिल जाएंगे। अब रात में मिन हाइजिन घर आती है और उसकी मॉम को सारी बात बताती है। उसकी मॉम कहती है, वैसे एंजल्स को तो मैंने भी देखा है जो मरने का दिन बताते हैं। मिन हाइजिन कहती है, क्या सच में? तो उसकी मॉम कहती है, हाँ, वो मेरा डॉक्टर था। दूसरी तरफ मिस पार्क अपने बच्चों के बाजू में लेटी हुई थी और बहुत रो रही थी। अब दूसरे दिन डिटेक्टिव्स की मीटिंग में एक डिटेक्टिव उनके हेड को बताता है कि जिस जली हुई बॉडी का हमने टेस्ट करवाया था वो असल में जिंदा है ही नहीं। उसका हेड कहता है, हम सब ने उसे भागते हुए देखा था, अब ये सब मैं मेरे हेड को कैसे समझाऊं? तभी किम को मिन हाइजिन का कॉल आता है और वो वहां से निकल जाता है। अब हम चेयरमैन यून को देखते हैं। डिटेक्टिव जिम उसके पास जाकर कहते हैं, किसी को जान से मारने की धमकी दी गई है, पुलिस को तो इन्वॉल्व होना ही था। जिम कहता है, मुझे नहीं पता था न्यू ट्रूथ के पास इतना पैसा है। चेयरमैन यून कहता है, असल में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं और उसमें से कई सारे बहुत पैसे वाले हैं। तभी मिन हाइजिन आती है और वो सब घर के अंदर जाते हैं। अब मीटिंग में मिन हाइजिन कहती है, किसी भी तरह बच्चों की पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए। चेयरमैन कहता है, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, तो इसकी चिंता तुम मत करो। अब लाइव ब्रॉडकास्ट का सेटअप पासी के एक घर में किया जाता है जहां मिस पार्क को टाइम पर आना होगा। अगर चैनल वाले इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी इसे लाइव दिखा सकते हैं। मीटिंग के दौरान चेयरमैन यहां वहां देखने लगते हैं। वो मिस पार्क से उनके बच्चों के बारे में सवाल करने लगते हैं और मिस पार्क आंसर देने में काफी नर्वस हो रही थी, इसलिए मिन हाइजिन उन्हें कहती है, आपको सारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है, जिस वजह से उन्हें नर्क ले जाया जा रहा है। अब मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इस मीटिंग के बाद चेयरमैन यून भी बिना आइडेंटिटी रिवील करे पब्लिक में अनाउंस करते हैं, और ये लाइव स्ट्रीम वाला शख्स सभी को बताता है कि एक और इंसान की भविष्यवाणी की गई है जिसकी मौत को लाइव दिखाया जाएगा, यानी हम सब देख सकते हैं कि कैसे वो नर्क के जल्लाद आकर इसे ले जाएंगे। अब ये तो किसी को नहीं पता था कि भविष्यवाणी किसकी की गई है, मगर हम यहाँ डिटेक्टिव उन पायो को देखते हैं जो कि उसकी दूसरी आईडी से लॉगिन करते हैं और मिस पार्क और उनके बच्चों की आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं, क्योंकि यून पायो भी एरोहेड का बहुत बड़ा सपोर्टर था, इसलिए वो मिस पार्क और उसकी फैमिली की आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील कर देता है। लाइव स्ट्रीम वाला शख्स ये इन्फॉर्मेशन देखकर पागल हो जाता है और बिना सोचे समझे मिस पार्क और उनके बच्चों की आइडेंटिटी रिवील कर देता है, और वो इन्हें सबके सामने पापी कह रहा था। अब क्योंकि इस शख्स के लाइव स्ट्रीम में काफी सारे लोग थे और उन लोगों को अब मिस पार्क और उनके बच्चों के बारे में मालूम पड़ गया है, तो एरोहेड के मेंबर इन पर अटैक कर सकते हैं। अब डिटेक्टिव जिम घर आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी हीजोंग घर पर नहीं है। वो उसे कॉल कर पूछते हैं, तुम कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं आई? तो वो कहती है, मैं मेरी दोस्त के घर पर पढ़ाई कर रही हूँ और आज रात मैं वहीं रुकूंगी। कॉल रखने के बाद हम देखते हैं यूजन चेयरमैन यून के साथ है। वो चेयरमैन को कहती है, मेरी मॉम मेरे वजह से मारी गई। उस दिन मॉम ने मुझे स्कूल से आते वक्त मेरे डैड को कपड़े देने कहे थे, मगर मैं एक पप्पी को देखने रुक गई थी और मैं मेरे डैड को कपड़े देना भूल गई और घर आ गई। घर आने पर उसकी मॉम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम होमवर्क करो, मैं डैड को कपड़े दे आती हूँ, और अगर उस दिन मैं अपना ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकाती और डैड को कपड़े दे आती तो मेरी मॉम बच जाती। वो कहती है, ये सब मेरी गलती है। चेयरमैन उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस किलर की गलती है जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। अब हम मिन हाइजिन को देखते हैं जो कि अपनी कार में थी और वो मिस पार्क के घर जा रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था मिस पार्क और उनके बच्चों की आइडेंटिटी रिवील हो गई है। वो मिस पार्क को और उनके बच्चों को गाड़ी में बैठा कर एयरपोर्ट ले जा रही थी और हम देख ही सकते हैं कि सारे लोग उन तीनों को ढूंढ रहे थे। अब एयरपोर्ट में मिन हाइजिन उन दोनों बच्चों को प्लेन में बैठा देती है और मिस पार्क बाहर उनका वेट कर रही थी, और डिटेक्टिव जिम आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ हीजो
यून और चेयरमैन यून दोनों को कार में बैठा हुआ देखते हैं और चेयरमैन उसे वो इंसान बताते हैं जिसने उसकी मॉम का मर्डर किया था। वो इंसान दारू के नशे में था और चेयरमैन यूजियन को भड़का रहे थे कि वो उस आदमी को मार दे और यूजियन भी उस आदमी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और ये दोनों उस किलर को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं और जैसे ही उस किलर को वापस होश आता है तो चेयरमैन उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वापस बेहोश कर देते हैं और फिर ये दोनों उसे फायर मशीन में डालकर जिंदा आग लगा देते हैं। और जब वो किलर जिंदा जल रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था तो यूजियन रोती भी है और जोर जोर से हंसती भी है क्योंकि आज फाइनली उसकी मॉम के किलर की मौत हो गई। अब अगले दिन पुलिस को उस किलर की बॉडी मिलती है जिसकी लोकेशन के बारे में शायद चेयरमैन ने बताया होगा और ये बात मीडिया को भी पता चल जाती है और डिटेक्टिव जिन न्यूज में देखते हैं कि उनकी वाइफ के किलर की मौत हो गई है। जिन का बॉस उससे पूछता है क्या इसमें तुम्हारा हाथ है। डिटेक्टिव जिन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, कल तो मैं मिन हाइजिन के साथ एयरपोर्ट में था। उसका बॉस कहता है तुम इस मामले से दूर रहो। अब वो लाइव स्ट्रीम वाला बंदा फिर से सभी को बताता है कि 6 साल पहले एक डिटेक्टिव की वाइफ का मर्डर हुआ था और उस कातिल की कल रात मौत हो गई और आज ही 3 बजे पार्क को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इसलिए सारे डिटेक्टिव्स काफी बिजी थे। इसी बीच एरो हेड के मेंबर इनके ऑफिस पर हमला कर देते हैं और सभी को मारने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से पुलिस वाले ईश्वर के कामों में दखल दे रहे हैं। पुलिस भी एरो हेड के मेंबर्स को मारती है मगर इसमें बहुत से पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए थे। इसके बाद हम शहर को देखते हैं जो कि पूरा सुनसान था क्योंकि 3 बजे मिस पार्क का डेमोन्स्ट्रेशन था। इसे देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई थी और बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी मौजूद थे जो कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को कवर करेंगे। यहाँ हम कुछ VIPs को देखते हैं जिन्होंने फ्रंट सीट बुक किया था बहुत सारा पैसा देकर ताकि वो पार्क के श्राप को करीब से देख सके और उन लोगों ने खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क भी लगाए थे। डिटेक्टिव जिम और उनकी टीम भी यहाँ मौजूद थी ताकि अगर वाकई में वो 3 मॉन्स्टर्स आकर पार्क को मारे तो ये लोग उन 3 मॉन्स्टर्स को पकड़ सके। और मिन हाइजिन भी यहाँ उनके कलीग के साथ थी और काउंटडाउन होने लगता है। सभी की नजर मिस पार्क पर थी और जैसे ही 3 बजते हैं अचानक जोर से किसी के आने की आवाज आती है और वो 3 मॉन्स्टर अचानक से दीवार तोड़कर मिस पार्क पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसे बचाने के लिए पीछे से डिटेक्टिव जिम उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं मगर वो मॉन्स्टर पलटकर वार करता है और जिम बेहोश हो जाता है। वो 3 मॉन्स्टर उसे मारकर खूनम खून कर देते हैं और फिर अपनी शक्तियों से उसे जलाकर गायब हो जाते हैं और सारे लोग घुटने पर बैठ जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं और गॉड को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यहाँ सिर्फ मिन हाइजिन और उसका कलीग ही नीचे नहीं झुके थे। अगली सुबह जब डिटेक्टिव जिम की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है हर गली सुमसाम है। पूरे सियोल शहर में सन्नाटा छा गया था। लोग कल हुई घटना की वजह से अपने अपने घर में थे और कोई भी काम पर नहीं जा रहा था। ऐसी हालात में एक न्यूज चैनल वाले चेयरमैन यून के साथ एक लाइव वीडियो कॉल करके बातें करते हैं। उसमें चेयरमैन सभी से कहते हैं आप लोगों को ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब अपनी जिंदगी रोज की तरह जी सकते हैं क्योंकि नर्क में सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है जो पापी है और जो लोग अपनी जिंदगी बिना पाप की अच्छे से जिएंगे तो उनके साथ वो नहीं होगा जो मिस पाक के साथ हुआ। और यहाँ तक कि न्यू ट्रूथ के लोगों ने पूरा एक ऐप बना रखा था, उसमें उन लोगों ने उन पापियों के बारे में लिखा था जिन्हें नर्क भेजा गया है और उन लोगों ने वो सारी चीजें भी लिखी थी जो कि अच्छी है और उसे करने से लोग नर्क में नहीं जाएंगे। डिटेक्टिव जिन भी इस इंटरव्यू को टीवी पर देख रहे थे और वो अपने बेटी का जैकेट बैकग्राउंड में देखते हैं। इसका मतलब कल रात डिटेक्टिव की बेटी चेयरमैन के साथ ही थी। इसके तुरंत बाद डिटेक्टिव को उसके कंप्यूटर पर एक फाइल रिसीव होती है जिसमें उसकी बेटी की वो फुटेज थी जब वो उस किलर पर हमला कर उसे घसीट रही थी। अब जाहिर सी बात है ये फुटेज चेयरमैन ने ही भेजा होगा डिटेक्टिव जिन को ब्लैकमेल करने के लिए। खैर इस इंटरव्यू के बाद न्यू ट्रूथ को लाखों लोग फॉलो करने लगते हैं और ये एक नए धर्म की तरह बन जाता है। अब इसके बाद ये लाइव स्ट्रीम वाला बंदा उसके स्ट्रीम में लोगों को मिन हाइजिन, उसके कलीग और डिटेक्टिव जिन के बारे में भड़काने लगता है क्योंकि जिस वक्त मिस पार्क को उन मॉन्स्टर्स ने मारा था उसके बाद सभी लोग गॉड को रिस्पेक्ट देने के लिए झुक गए थे मगर मिन हाइजिन और उनका कलीग नहीं झुके थे और डिटेक्टिव जिन ने उस मॉन्स्टर पर गोली चलाई थी और उसके हिसाब से ये तीनों गॉड के फैसलों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और अब सभी लोग इनके खिलाफ थे। ऐसी सिचुएशन में मिन हाइजिन डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम के साथ ये देश छोड़कर चले जाएगी। अब पैकिंग करते वक्त मिन को एक कुरियर पैकेज मिलता है जो कि उसी के नाम का था। इस पैकेज को चेक करने पर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और चेयरमैन यून का एक पुराना इंटरव्यू भी मिलता है और इस इंटरव्यू में चेयरमैन उस बारे में बात कर रहे हैं जब इनकी भी भविष्यवाणी एक फरिश्ते ने की थी और मिन को ये भी पता चलता है इस इंटरव्यू का पब्लिशर कोई पास्टर किम नाम का शख्स था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव जिन हाथ में हथौड़ा लिए चेयरमैन यून की बिल्डिंग के अंदर जाता है। सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता। मिन हाइजिन उसके कलीग को कॉल करती है और कहती है 20 साल पहले चेयरमैन यून की
की भविष्यवाणी हो गई थी और जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाती है तो सब तहस नहस था। वो उसके कलीग को पूछती है कहाँ हो तुम, और हम देखते हैं कि वो एक रोड के कॉर्नर पर बैठा हुआ है और खून में सना हुआ है। वो कहता है इसे यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। पार्किंग लॉट में मिन हाइजीन की मॉम के पास एरोहेड के लोग आ जाते हैं और कांच तोड़कर उसकी मॉम को बाहर निकालकर मारने लगते हैं। तब तक किम भी वहाँ पहुँच जाती है और भागती हुई उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसे बहुत मारते हैं और उसकी मॉम को तो जान से मार देते हैं। मिन हाइजीन उठकर उसकी मॉम के पास जाती है और रोने लगती है। डिटेक्टिव जिन दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और चेक करने लगता है। मिन हाइजीन हॉस्पिटल में पहुँचती है और जब वो यहाँ वहाँ देखती है तो सभी लोग उसी को देख रहे थे। वो फोन चेक करती है तो उसे मारने वाला वीडियो वो लोगों ने पोस्ट कर दिया था। वो अंदर जाती है और देखती है उसकी मॉम के पास कोई नहीं है और कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है। वो नर्स को कहती है ये मर चुकी है और वहाँ से निकल जाती है। डिटेक्टिव जिम जैसे ही नीचे आता है लोग उसे मारने लगते हैं। तभी एक आदमी देखता है डिटेक्टिव जिम के फोन पर चेयरमैन यून का कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाकर पूछता है हिजियन कहाँ है। वो कहता है मुझे पता है तुम्हें हिजियन की फिक्र हो रही है, और वो फोन लोगों को दिखाने कहता है। डिटेक्टिव जिम फोन दिखाता है तो चेयरमैन लोगों को कहता है डिटेक्टिव जिम को छोड़ दीजिए, मुझे उनसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो कार में बैठकर निकल जाता है और दूसरी तरफ मिन हाइजीन भी कहीं जा रही थी। डिटेक्टिव जिम वहाँ पहुँच जाता है और मिन हाइजीन भी पास्टर किम के घर पहुँच जाती है। किम दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेता है और उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, और दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिन हिजियन को ढूंढ रहे थे। वहाँ हिजियन तो नहीं मिलती मगर चेयरमैन यून मिलता है। वो कहता है 20 साल पहले मेरे लिए भी एक भविष्यवाणी हुई थी और वो फरिश्ता मेरे सामने आया और कहा आज से 20 साल बाद तुम रात 10:30 बजे मर जाओगे और तुम्हें नर्क में भेजा जाएगा, और उसके मरने का डेट आज है। डिटेक्टिव जिम कहता है मैंने मेरी भविष्यवाणी होने से पहले वाली जिंदगी में कोई बुरे काम नहीं किए, फिर भी मेरी भविष्यवाणी हुई। इसका मतलब ये भविष्यवाणी लोगों के पाप या पुण्य के हिसाब से नहीं हो रही है, ये तो बिल्कुल रैंडम हो रही है। जब चेयरमैन को भविष्यवाणी मिली तो उन्होंने इस बारे में काफी रिसर्च की और 20 साल उन्होंने काफी डर में बिताए क्योंकि वो जानते थे आज के दिन उन्हें 10:30 बजे मरना है। और उन्होंने काफी स्टडी करने के बाद ये सोचा कि अगर वो लोगों को ये कहने लगे कि ये जो भविष्यवाणी हो रही है ये सिर्फ पाप करने वालों के साथ होती है तो सभी लोग अपनी जिंदगी सही रास्ते पर जिएंगे। साथ में वो डर जो लेकर चेयरमैन यून पिछले 20 साल से जी रहे हैं वो अब दुनिया में हर एक शख्स को होगा और सब सही रास्ते पर चलेंगे। वो कहता है मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं फंसाया, वो तो मैं खुद भी कर सकता था। और फिर वो कहता है अब ये दुनिया मैं तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। जब वो जल्लाद मुझे ले जा रहे होंगे तुम उसका वीडियो बनाकर लोगों को बता दो या फिर इस बात को छुपा दो और तुम्हें तुम्हारी बेटी घर पर सही सलामत मिल जाएगी। इसका मतलब अगर इसने लोगों को बता दिया कि चेयरमैन की भी भविष्यवाणी हुई थी तो चेयरमैन के लोग हिजियन की फुटेज पब्लिक को दिखा देंगे जिसमें वो उसकी मॉम के किलर को मार रही थी। यानी फिर डिटेक्टिव को खुद अपनी बेटी को अरेस्ट करना होगा, और अगर उसने ये बात छुपा ली तो हिजियन और वो साथ रह सकते हैं। अब फिर इसके बाद चेयरमैन का टाइम आ जाता है और हम व्यूअर्स को फिर से वही जोरदार आवाज आती है, और उसके तुरंत बाद वो 3 मॉन्स्टर्स आते हैं और चेयरमैन को बहुत बुरी तरह से मारकर डिटेक्टिव जिम के आंखों के सामने उसे जलाकर वहां से गायब हो जाते हैं। जब डिटेक्टिव जिम घर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी घर पर ही होती है। वो उनको गले तो लगा लेती है मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिन हाइजीन पास्टर किम को उस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी देने कहती है तो वो मिन हाइजीन के सामने उस फाइल को डिलीट कर देता है। वो कहता है चेयरमैन यून कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया और बदले में मुझे मेरा मुंह बंद रखना होगा। उसने पास्टर किम को न्यू टूथ का अगला चेयरमैन बना दिया है, और फिर वो कहता है उसने मुझे खुद को साबित करने के लिए तुम्हें मारने कहा है। मिन हाइजीन उसे धक्का देकर बाहर भागती है मगर एरोहेड के लोग बाहर पहले से ही मौजूद थे। वो लोग उसे बहुत मारते हैं और मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी कार में है और वो उन 3 मूर्तियों को देखकर कहता है अरे यार ये न्यू ट्रूथ वाले। न्यू ट्रूथ के लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें वो लोगों को पार्क जून जाकर नोटिस और डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। अभी 4 साल बाद उसका घर एक म्यूजियम बना दिया गया है और उसके बाद भी कई लोगों की मौत की भविष्यवाणी हुई है, और एक बार तो एक आदमी ने अपने वक्त से पहले खुदकुशी कर ली थी पर फिर भी तय किए हुए भविष्यवाणी के वक्त यह आदमी फिर से जिंदा हो गया और मॉन्स्टर ने इसे फिर से बेरहमी से मार दिया। और अभी इस दुनिया में सारे लोग न्यू ट्रूथ को ही फॉलो करते हैं, और अभी न्यू ट्रूथ का एक मेंबर एक टीवी चैनल के लोगों से मीटिंग कर रहा था। ये कहता है तुम्हारा वीडियो ठीक है पर तुमने पापी के सजा के वक्त सैड म्यूजिक लगाया है, लोगों को पापी पर दया नहीं आनी चाहिए। प्रोड्यूसर यंग जे इसकी बात नहीं मानते और गुस्से में कहते हैं मुझे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है पर तुम मुझे मेरे काम के बारे में मत सिखाओ, हम तुम्हारे इशारों पर नहीं चलेंगे। पर यंग जे के बॉस उसे चुप कर
देते हैं और न्यू ट्रुथ वालों से माफी मांगते हैं। इनके जाने के बाद बॉस यंग जे को म्यूजिक चेंज करने कहते हैं। ये कहता है इसे हॉस्पिटल में इसके न्यू बॉर्न बेबी को देखने जाना है, पर इसका बॉस कहता है काम खत्म करके चले जाना। ये सबके बाद यंग जे अपनी पत्नी को कॉल करके बताता है इसे आने में लेट हो जाएगा। इन्होंने इसके बच्चे का नाम टफी रखा था। इसकी वाइफ कहती है तुमने अभी तक टफी को देखा भी नहीं, मैं तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। अब यंग जे इसके दोस्त के पास काम के लिए हेल्प मांगने जाता है, पर इसे इसके डेस्क पर एक अजीब कार्ड मिलता है। यंग जे कार्ड देख ही रहा था तभी इसका दोस्त यहाँ आ जाता है और ये आज बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। ये कहता है आज इसे इसकी वाइफ के साथ बाहर जाना है और इसलिए ये ऑफिस से जल्दी चला जाता है। हॉस्पिटल में यंग जे की वाइफ बच्चे के पास पहुँचती है, तभी ये देखती है कि टफी के पास एक फरिश्ता है। ये कहता है 5 दिन बाद टफी तुम्हें नर्क भेज दिया जाएगा। टफी की मॉम मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ यंग जे कार से हॉस्पिटल जा रहा था तभी इसे इसके दोस्त कांग की वाइफ का कॉल आता है। ये बताती है कांग के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ दिन पहले लोन वाले आए थे और उन्होंने बताया कांग जुआ खेलने लगा है। यंग जे कहता है आप चिंता मत करो मैं उसे ढूंढता हूँ। कॉल कट करने के बाद इसे कांग के डेस्क पर रखे हुए कार्ड के बारे में याद आता है और ये गाड़ी घुमाकर उस कार्ड पे लिखे गए एड्रेस पर चला जाता है। हॉस्पिटल में टफी की मम्मी बहुत परेशान थी और ये न्यू ट्रुथ के ऐप में देखती है कि सिर्फ गुनहगार ही नर्क जाते हैं, पर टफी तो अभी पैदा हुआ है, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। ये सब देखकर ये रोने लगती है। अभी यंग जे उस कार्ड वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ जंगल के बीच एक तालाब था, इसे यहाँ इसका दोस्त मिल जाता है। कांग यंग जे को देखकर पानी में भागने लगता है, पर यंग जे इसे पकड़कर पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। कांग बताता है इसकी भविष्यवाणी हुई है और आज ये मरने वाला है। कांग रोते हुए कहता है किसी को ये मत बताना, अगर सबको पता चला कि मुझे नर्क भेजा गया है तो न्यू ट्रुथ और एरोहेड वाले मेरे परिवार को बिल्कुल जीने नहीं देंगे। कांग कहता है किसी को भी मत बताना तुम मुझसे मिले थे, मैंने सोडू के लोगों को मेरी हेल्प करने बोला है, वो लोग ऐसे दिखाएंगे कि मैं कहीं गायब हो गया, उन लोगों के आने से पहले तुम भाग जाओ। तभी एक जोरदार आवाज आती है और पानी के अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और कांग को मारने लगते है और बहुत बुरी तरह से मारने के बाद ये इसे जला देते हैं और कांग की लाश छोड़कर चले जाते हैं। अभी यहाँ सोडू के लोग आ जाते हैं, ये लोग यंग जे को पकड़ लेते हैं और कांग की लाश भी ले जाते हैं। एक आदमी यहाँ आकर कहता है प्रोड्यूसर भाई आज जो भी हुआ है उसे भूल जाना वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यहाँ इसके साथ लॉयर मिन भी थी। सोडू के लोग इसे बेहोश करके यहाँ से चले जाते हैं और जब यंग जे की आँख खुलती है तो ये किसी दूसरी जगह पर ही था। यंग जे हॉस्पिटल पहुँचता है, यहाँ इसकी वाइफ इसे टफी की भविष्यवाणी का वीडियो दिखाती है और दूसरी तरफ पुलिस और न्यू ट्रुथ वाले कांग को ढूंढते हुए इस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तलाशी के वक्त पुलिस को पता चलता है कि मिस्टर कांग को दूसरी तरफ सीसीटीवी में देखा गया है, इसलिए तलाशी बंद कर देते हैं। पर तभी न्यू ट्रुथ के एक आदमी को सोडू का कार्ड दिखता है और ये इसकी फोटो ले लेता है। हॉस्पिटल में टफी की मम्मी यंग जे को बताती है कि आज तक किसी भी पैदा हुए बच्चे को नर्क नहीं भेजा गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। यंग जे कहता है चलो घर चलते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर यंग जे टफी को देखने जाता है। सारे लोग तालाब के पास से जा रहे थे तभी एक लड़की न्यू ट्रुथ के मेंबर यूजी को कहती है हमें किम मिल गया है जिसकी भविष्यवाणी सुपरमार्केट में हुई थी। किम एक होटल में छुपा हुआ था। अभी यूजी यहाँ से चला जाता है। यूजी किम के होटल रूम में पहुँच जाता है। न्यू ट्रुथ वाले इसे पूछताछ कर रहे थे। ये बताता है आज 5 बजे ये नर्क जाने वाला है और तभी यूजी को इसका कमरे में सोडू का कार्ड मिलता है। दूसरी तरफ यंग जे अपने बच्चे के नोटिस से और कांग की मौत से बहुत परेशान था। तभी ये सोडू के लोगों की जानकारी निकालता है, कल जिस आदमी से इसकी बात हुई थी वो बहुत फेमस है और यंग जे टीवी ब्रॉडकास्ट में काम करता था, इसलिए यंग जे को उस आदमी का नंबर मिल जाता है। अभी दूसरी तरफ न्यू ट्रुथ के बिल्डिंग में एक हॉल में किम का डिमॉन्स्ट्रेशन एक लाइव टीवी पर दिखाते हैं। न्यू ट्रुथ का चेयरमैन इसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है और वक्त होने पर यहाँ से चला जाता है। यहाँ नर्क के मॉन्स्टर आ जाते हैं, ये किम को मारने लगते हैं और चेयरमैन ये सबसे खुश हो रहा था। मॉन्स्टर के जाने के बाद चेयरमैन स्टेज पर जाकर कहता है पापी किम अभी तुम हमेशा के लिए नर्क में जलोगे। यहाँ यंग जे सोडू के बिल्डिंग में पहुँचता है और यहाँ कुछ लोग इसे पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं। न्यू ट्रुथ के ऑफिस में चेयरमैन और बाकी लोग किम का वीडियो देख रहे थे। इसमें किम कहता है सोडू ऑर्गेनाइजेशन इसकी हेल्प कर रहे थे गायब होने में। सोडू के ऑफिस में यंग जे इससे बात करता है और ये बताता है न्यू ट्रुथ वाले झूठ बोल रहे हैं, असल में नोटिस किसी को भी मिल सकता है, ये नेचुरल है जैसे भूकंप या सुनामी। ये पूछता है आप उन लोगों को किस तरह ढूंढते हैं जिनकी भविष्यवाणी हुई है। ये बताता है हम सबको नहीं ढूंढते, पर जिनको भी ढूंढते हैं उन लोगों को ये छुपा देते हैं ताकि वो और उनका परिवार शर्मिंदगी से बच जाए। ये बताता है सोडू के लोग बहुत है और हर जगह है, अगर न्यू ट्रुथ के चेयरमैन की भविष्यवाणी आई तो बचने के लिए सबसे पहले हमारे पास ही आएगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी है और हर इंसान को सुकून से मरने का हक है। ये सुनकर यंग इन्हें टफी की मौत का नोटिस दिखाता
आता है। सारे लोग टफी का वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं। अभी ये कॉल पे बात करके यंग जॉय को किसी से मिलने कहता है। अभी न्यू ट्रूथ के ऑफिस में यूजू चेयरमैन को सोडू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब बताता है। ये सुनकर चेयरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और ये यूजी को पूरे सोडू ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। यूजी बाहर जाकर सारे एरो हेड वाले लड़कों को बुलाने कहता है और दूसरी तरफ यंग जॉय सोडू के चेयरमैन के साथ कार से जा रहा था। यहाँ ये यंग जॉय को दिलासा देते हैं और कहते हैं तुम्हारे बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया, ये तो बस एक हादसा जैसा है। अब ये दोनों लॉयर मिन के घर पहुँचते हैं और दूसरी तरफ एरो हेड के लोग सोडू के आदमी के घर पहुँच जाते हैं। ये उस आदमी को और उसकी वाइफ को टॉर्चर करते हैं और दूसरी तरफ लॉयर मिन यंग जॉय को कहती है अगर तुम्हारे बच्चे के डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में लोगों को पता चल गया तो लोग न्यू ट्रूथ से सवाल करने लगेंगे और सारे लोग समझ जाएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेशन सजा नहीं है, एक हादसा है। लॉयर मिन कहती है हमें टफी को छुपाना पड़ेगा और न्यू ट्रूथ को टफी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और अगर पता चला तो वो तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें गायब कर देंगे। यंग जॉय पूछता है आज से पहले कभी न्यू ट्रूथ के लोगों ने किसी का डिमॉन्स्ट्रेशन छुपाया है? तो लॉयर बताती है इनके पहले चेयरमैन जून का डिमॉन्स्ट्रेशन 4 साल पहले ही हो गया था पर न्यू ट्रूथ ने यह बात किसी को भी पता लगने नहीं दी। लॉयर मिन यंग जॉय को कहती है हमें टफी की डेमोन्स्ट्रेशन सबके सामने लाइव करना चाहिए ताकि आगे से कोई भी इंसान शर्मिंदगी की मौत ना मरे। पर यह सुनकर यंग जॉय गुस्सा होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। लॉयर मिन कहती है अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे बच्चे का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जिससे उसकी मौत से कई लोगों के परिवार को शांति मिलेगी, या फिर हम तुम्हारे बेटे की मौत को एक हादसा दिखाएंगे जिससे उसकी मौत बाकियों की तरह ही बर्बाद हो जाएगी। अभी फैसला तुम्हें करना है, तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। अभी यंग जॉय और चेयरमैन बाहर आ जाते हैं और चेयरमैन बताता है एक बार ये इनकी बेटी के साथ बीच पर घूमने जा रहे थे तभी कार में फरिश्ता आ गया और उसने कहा मेरी बेटी को 10 सेकंड में नर्क भेजा जाएगा। मेरी बेटी गुनहगार नहीं थी पर फिर भी वो मॉन्स्टर वहाँ आ गए। ये हादसे में इनकी कार क्रैश हो गई और उसके बाद उन मॉन्स्टर्स ने इनकी बेटी को जला दिया। उस वक्त चेयरमैन को बुरा तो लग रहा था पर इन्हें राहत थी कि ये हादसे के बारे में और किसी को भी नहीं पता चला। तभी इन्होंने तय कर लिया कि हर इंसान को सुकून से मरने का हक है। अभी चेयरमैन यंग से कहते हैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे की मदद से लोगों को सच्चाई पता चल सकती है और ये चले जाते हैं। दूसरी तरफ एरोहेड वाले इस आदमी को बहुत टॉर्चर करते हैं पर ये सोडू के बारे में कुछ नहीं बताता। पर जैसे ही ये इसकी वाइफ को चोट पहुंचाने वाले थे तभी इनसे बचने के लिए सारी जानकारी दे देता है। अभी हम देखते हैं एरोहेड वाले चेयरमैन के कार पर अटैक करते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, तुम्हारे साथी ने पहले ही सारी जानकारी दे दी। फिर ये लोग इन दोनों को फायर मशीन में डालकर जला देते हैं। अभी सारे लोग लॉयर मिन को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। मिन ऊपर से इन्हें देख लेती है और यहाँ से भागती है। तभी कुछ लोग इसका पीछा करने लगते हैं और नीचे यूजिन इंतजार कर रहा था। एरोहेड वाले मिन हाइजिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं पर मिन हाइजिन भी कम नहीं थी, ये इन सब लड़कों से लड़ने लगती है और मौका मिलते ही खिड़की से नीचे उड़ी मार लेती है। नीचे न्यू ट्रूथ वाले इसे पकड़ लेते हैं पर मिन एक इलेक्ट्रिक टेजर निकालती है और इसे झटका देकर बेहोश कर देती है और यूजिन को मार के भाग जाती है। अगले दिन यंग जॉय ऑफिस में था तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एरोहेड के लोगों ने 2 लोगों को मार के उनकी बॉडी हाईवे पर लटका दी थी। ये दोनों सोडू के ही लोग थे। यंग जॉय इस खबर को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और तभी इसे एरोहेड का वीडियो दिखता है जिसमें ये कह रहे थे जो पापियों की मदद करेंगे हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और ये लोग जल्द ही लॉयर मिन को भी मारने वाले हैं। तभी यंग जॉय को लॉयर मिन का कॉल आता है, ये पूछती है तुमने टफी के लिए क्या सोचा है? यंग जॉय कहता है मैं अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया हूँ। लॉयर कहती है इनके पास अभी और वक्त नहीं है। ये पूछती है टफी कहाँ है? यंग जॉय कहता है टफी इसकी वाइफ के साथ घर पर है। मिन हाइजिन कहती है इस वक्त तुम्हें अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और न्यू ट्रूथ वालों को टफी के बारे में पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंग जॉय की वाइफ टफी को लेकर न्यू ट्रूथ के बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है। यंग जॉय उसे मैसेज करता है तुम कहाँ हो और वो रिटर्न मैसेज करके बता देती है कि वो न्यू ट्रूथ के ऑफिस में है और फिर वो बिरादर यूनजी को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है खुद ही इसे देख लो। यंग जॉय मिन हाइजिन को कॉल करके बताता है कि उसकी वाइफ उसके बच्चे टफी के साथ न्यू ट्रूथ के ऑफिस में गई है। मिन हाइजिन उसे सॉन्ग सुयुन और टफी को वहाँ से निकालने कहती है और वो खुद भी वहाँ आ रही थी। बिरादर यूजी वो वीडियो देखता है। सॉन्ग सुयुन कहती है क्या ऐसा हो सकता है भविष्यवाणी करने में कोई गलती हुई हो, मेरा बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है, उसने क्या ही पाप किया होगा। बिरादर यूजी कहता है मुझे अपने टीम वालों से बात करनी होगी और वो चला जाता है और नीचे स्टाफ को कहता है वो औरत कहीं नहीं जानी चाहिए। थोड़ी देर बाद बिरादर यूजी सभी को वो वीडियो बताता है और फिर किम कहता है बच्चे को माँ से अलग कर दो और जिस जिसको इस बारे में मालूम है उन्हें भी यहाँ ले आओ। थोड़ी देर में यंग जॉय और मिन हाइजिन यहाँ पहुँच जाते हैं और रूम में बिरादर सीजंग उसके टीम के साथ वहाँ आता है। वो लोग सॉन्ग सुयन को उसके साथ आने कहते हैं और उन्हीं में से एक औरत
औरत आकर बच्चे को छीन लेती है और वो उसे लेकर बाहर चले जाती है। लॉबी में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर थे कल एरोहेड के किए गए मर्डर के बारे में सवाल करने, क्योंकि एरोहेड वालों ने न्यू ट्रूथ का नाम उनके वीडियो में लिया था। तभी साइड में खड़ा एक आदमी को मिन हाइजीन इशारा करती है और वो सभी के बीच में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे मेरी भविष्यवाणी मिल गई है और मैं 10 मिनट के अंदर नर्क जाने वाला हूँ। और सारे रिपोर्टर्स और स्टाफ का ध्यान उस आदमी पर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर ये तीनों अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सोंग सुयन उसके बच्चे को लेने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो लोग उसे बच्चा नहीं देते। इसी बीच ये तीनों भी यहाँ आ जाते हैं और इन सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कैसे कैसे करके वो लोग उनसे लड़कर बच्चे को लेकर कार में बैठ जाते हैं, मगर वो लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। पर मिन हाइजीन ड्राइव करके उन्हें लेकर यहाँ से दूर भाग जाती है। अब रास्ते में ये लोग उनकी कार चेंज करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन किम बिरादर यूजी को इस गलती के लिए बहुत मार रहा था। वो कहता है अगर लोगों को पता चल गया कि एक पैदा हुए बच्चे की भविष्यवाणी हुई है तो लोग हम पर और हमारी लिखी गई बातों पर उंगलियां उठाएंगे और न्यू ट्रूथ पर से सबका भरोसा उठ जाएगा और न्यू ट्रूथ खत्म हो जाएगा। चेयरमैन किम कहता है जाओ और एरोहेड का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ निकालो। और थोड़े देर बाद मिन हाइजीन और ये पति पत्नी उनके बच्चे के साथ एक आदमी के घर जाते हैं और घर के अंदर जाकर मिन हाइजीन कहती है हमारे पास बहुत कम टाइम है, आपका बच्चा न्यू ट्रूथ के कई अनगिनत विक्टिम्स के बहुत काम आएगा और अगर आपने जल्द फैसला नहीं किया तो न्यू ट्रूथ वाले यहाँ आकर बच्चे और आप दोनों को तकलीफ पहुँचाएंगे। ये आदमी कॉफी लाता है और कहता है मैंने सुना इस बच्चे की भविष्यवाणी की गई है, ये बच्चा तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। ये कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो न्यू ट्रूथ का फॉलोअर था और मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, आज नहीं कल सभी को मरना है, मगर ये बात से मुझे खुद से नफरत हो गई है कि मैं नर्क में जाने वाला हूँ। और वो रोने लगता है। फिर मिन हाइजीन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में पब्लिक को बता देती है और वो वीडियो भी पोस्ट कर देती है। वो कहती है ये बच्चे ने ऐसा क्या ही पाप किया होगा जो इसे नर्क भेजा जा रहा है और हम इस बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं और हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो न्यू ट्रूथ वालों ने कहा है कि सिर्फ पापियों को ही नर्क भेजा जा रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये किसी भी पाप या पुण्य की वजह से नहीं हो रहा है। अगली सुबह मिन हाइजीन आकर इसे कहती है आपको डेमोन्स्ट्रेशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। इस पर सोंग सुयन कहती है पहले मैं बच्चे का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मुझे नहीं पता था ये क्यों रो रहा है और ये मुझसे क्या कहना चाहता है। देखा जाए तो बच्चे ऐसे भी रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है या फिर वो अनकंफर्टेबल होते हैं, मगर अब पता चला ये बच्चा हमारी मदद के लिए रो रहा था क्योंकि ये जीना चाहता है, इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी आखिरी दम तक। तभी ये आदमी बाहर आता है और कहता है मैं सामान लेने बाहर जा रहा हूँ और बाहर चला जाता है। थोड़े देर बाद हम इस लाइव स्ट्रीम वाले बंदे को देखते हैं और जब वो स्ट्रीम पूरा करके बाहर आता है तो एक फरिश्ता आकर उसकी भी भविष्यवाणी करता है। अभी अचानक चेयरमैन किम अंदर आता है और उसकी मेंबर उसे फोन देती है। वो कहता है मिस्टर ली मैं चेयरमैन किम बोल रहा हूँ और पूरी टीम तुम्हारी बात सुन रही है, तुमने कहा मिन हाइजीन तुम्हारे घर पर है और दूसरी तरफ फोन पर यही शख्स था। ये कहता है हाँ और हंसने लगता है। वो कहता है ध्यान से सुनो, 3 साल पहले मेरी भी भविष्यवाणी की गई थी मगर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, तो अब पता चला ये आदमी वही लाइव स्ट्रीम वाला बंदा है। ये कहता है ये बात मैंने किसी को नहीं बताई और पता है वो लोग मुझे आज ही नर्क भेजेंगे, पर मिन हाइजीन और वो बच्चा 1 दिन पहले ही मेरे घर आ गए और मुझे पता चला मेरे डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के 5 मिनट बाद होगा। ये पूछता है तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है। इस पर चेयरमैन किम कहता है ये काफी सरप्राइजिंग है, इसका मतलब ईश्वर ने गलती से उस बच्चे की भविष्यवाणी कर दी और उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने तुम्हें चुना है, तुम तो एक मसीहा हो, वो तुम्हारा एहसान मन रहेगा। वो हंसता है और कहता है मुझे पता था। चेयरमैन किम कहता है आप कहाँ हो, ईश्वर के इस काम में हम आपकी मदद करेंगे, मगर ली कहता है ईश्वर ने इस काम के लिए मुझे चुना है और मैं तुम्हें ये मौका देकर मेरा नाम खराब नहीं करूंगा। और वो कहता है मैं तुम्हें एक सुराग देता हूँ ताकि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर सको, और वो उसका फोन वही मार्केट में फेंक देता है। बिरादर यूजी कहता है हम कॉल की लोकेशन से पता कर सकते हैं वो कहाँ रहता है। चेयरमैन किम कहता है जैसे ही पता चले सभी को लेकर वहाँ पहुँच जाओ। अब रात हो जाती है और चेयरमैन को ये आकर बताती है कि हमें उसकी लोकेशन का पता चल गया है और सारे लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और मिन हाइजीन के लोग भी उन्हें ले जाने के लिए पहुँच गए थे, पर तभी ली उन्हें मारने लगता है और उन्हें चेक करने के लिए यंग जेई भी नीचे जाता है और मिन हाइजीन उसे एक शॉकिंग डिवाइस साथ ले जाने कहती है। पुलिस और न्यू ट्रूथ के लोग मार्केट में पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ ली का फोन मिल जाता है। यंग जे नीचे आकर देखता है कि उनके लोगों को किसी ने मार दिया है और तभी पीछे से ली आता है और बताता है मैं वही हूँ जो कभी एरोहेड के लोगों का चेहरा हुआ करता था। यंग जेई कहता है तुम अभी ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारी भी भविष्यवाणी हुई है क्या। ली
ही कहता है हाँ, वो भी तुम्हारे बच्चे के 5 मिनट बाद, और ईश्वर ने उसकी गलती को छुपाने के लिए मुझे चुना है। वो कहता है मैं सबसे पहले यहाँ तुम्हें मारूंगा और फिर ऊपर जाकर मिन हाइजिन और तुम्हारी पत्नी को भी मार दूंगा, फिर तुम्हारे बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन मेरे रूम में होगा और फिर 5 मिनट के अंदर मैं उसकी बॉडी को ठिकाने लगाऊंगा और फिर मेरा डेमोन्स्ट्रेशन होगा और लोगों को लगेगा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और बच्चे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। यंगजे उसके जेब में से शॉकिंग डिवाइस निकालकर उसे शॉक देता है और वहां से मिन हाइजिन को आवाज देता हुआ रूम की तरफ भागता है, मगर ली भी उसका पीछा करता है और उसे सीढ़ियों से गिरा देता है। वो रूम में आता है पर मिन हाइजिन उसे मारने लगती है और सोंग सुई उन बच्चे को लेकर बाहर आती है और देखती है कि सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। अंदर मिन हाइजिन उसे लड़ रही थी। सोंग सुई उन बाहर सभी को चिल्लाकर कहती है ये मेरा बच्चा है और कुछ ही देर में इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, सभी लोग रुको और खुद देखो, और कोई वीडियो बनाकर डाल देता है। ये वीडियो न्यू ट्रुथ वाले देख लेते हैं और वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। सोंग सुई उसके बच्चे को जमीन पर रखती है और जैसे ही मिन हाइजिन बाहर आती है वो तीन मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं और बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, मगर सोंग सुई उन बच्चे को हटा लेती है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं, तभी यूजे भी वहां आ जाता है। मिन हाइजिन उन मॉन्स्टर्स को मारती है मगर वो लोग उसे जीत नहीं पाते। यंगजे सोंग सुई उनको अपने पास करके एक पाइप से टाइट पकड़ लेता है और बच्चा उन दोनों के बीच में था। वो तीनों मॉन्स्टर उनके पास आते हैं और अपनी शक्तियों से उन्हें जलाकर वहां से भाग जाते हैं। मिन हाइजिन ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है, तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है। ली वहां जाता है और देखता है कि वो बच्चा तो जिंदा है और उसे चाकू से मारने जाता है, मगर मिन हाइजिन उसे लड़ती है और जैसे ही वो वापस बच्चे को मारने जाता है तभी उसका भी टाइम हो जाता है और मॉन्स्टर्स उसे भी मारकर जला देते हैं। मिन हाइजिन खड़े होती है और बच्चे को हाथ में लेती है और जाने लगती है। एक औरत उसकी शॉल उतारकर बच्चे के ऊपर रखती है, तभी वहां न्यू ट्रुथ वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, मगर पब्लिक बीच में से नहीं हटती और उन्हें रोकती है। बिरादर यूजी कहता है तुम ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। तभी वहां साइड में खड़ा एक आदमी कहता है बस करो, तुम सब झूठे हो, और बिरादर यूजी उसे मारने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे पकड़कर ले जाते हैं। मिन हाइजिन बच्चे को लेकर बाहर आती है और टैक्सी में बैठ जाती है और उसे कहती है यहाँ से जितना दूर हो सके मुझे ले चलो, और वो टैक्सी वाला उसे लेकर चला जाता है और मिन हाइजिन बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस पार्क की बॉडी हिल रही है और वो अचानक से जिंदा हो जाती है और यही लास्ट एपिसोड एंड होता है। एंडिंग देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि इसका सीजन 2 आने वाला है। तो सीजन 2 सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली सीरीज में।